हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पैसे को अफसर और कर्मचारी क्या मजाक समझ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर यूजीसी की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन की कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। पूर्व वित्त अधिकारी बीआर धीमान ने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं होने की शिकायत की थी। इसके बाद मंत्रालय ने यूजीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय में जांच करने के लिए कहा था। यूजीसी ने जांच की ओर कार्रवाई के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखा। इसके बाद कैग ऑडिट में भी वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं और कुछ अफसरों तथा कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को जारी हुए हैं। एक सेक्शन अधिकारी को नियमों के विपरीत प्रमोशन दी गई। कर्मचारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी कर्मचारी भी नहीं था। जांच में यह भी सामने आया है कि एक अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर 5.8 लाख और 55.42 लाख के चेक हस्ताक्षर कर दिए और एक अधिकारी पर ठेकेदारों को लाखों रुपए के ठेके देने में भी वित्तीय अनियमितताओं का दोषी ठहराया गया है। जांच टीम ने 50.91 लाख और 80.42 लाख रुपए की अदायगी निकाली है, जिसकी रिकवरी करने को कहा गया है। इसके अलावा एक अधिकारी की ओर से कई वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर किया गया है। उधर जब इस बारे में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर कुछ जांच करवाई थी तो उस जांच रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई है और अभी जांच चल रही है। ऐसा कोई वित्तीय अनियमितताएं गड़बड़ ध्यान में आई है ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ चीजों को लेकर जांच करवाई थी, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि इसमें जो जांच में तथ्य आए हैं उनकी जांच की जाए और यदि कुछ उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाए। तो हम जांच करवा रहे हैं, अनियमितता पाई गई तो अवश्य कार्रवाई करेंगे, निजमानुसार जो भी कार्रवाई होगी। सर एक और मामला सामने आया था जिसमें अध्यापकों को गलत तरीके से पदोन्नति देने का मामला और कुछ अध्यापकों की जो सैलरी को बढ़ाया गया है, तो ये क्या मामला है? एक्चुअली अध्यापकों की पदोन्नति जो होती है, यदि कुछ खास इतने वर्ष हो जाए नौकरी करते हुए तो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उसको पदोन्नति भी कहा जाता है। और उसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट हो गया इतने साल के बाद, एसोसिएट से प्रोफेसर हो गया इतने साल के बाद, तो उसकी तनख्वाह उसी के अनुसार फिक्स होती है। उसमें कुछ तनख्वाह ज्यादा बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना भी पहली स्टेज से दूसरी या जितनी भी स्टेज से आगे टीचर किए गए हैं वो निजमानुसार किए गए हैं। कुछ टीचर्स को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो हिमाचल हाई कोर्ट में गए हुए हैं, वहां उनकी जांच का लंबित है, उसमें न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी पर जो है नियमों के विपरीत जो ठेके वगैरह जो काम है वो देने का आरोप लगा।